है। सो प्रोग्रामिंग इज अ कंप्लीटली लॉजिक्स ऑफ योर लाइफ, और इफ यू कैन कोरिलेट लाइक मैथ, इट्स द सब्जेक्ट इज कंप्लीटली लाइक मैथ। ठीक है, ये सारी चीजें बताई थी हमने। ठीक है, किसने बनाया, मैं दैट आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू, गाइडो वॉन रसम इन 1991, बट 1981 में ये स्टार्ट हो गया था इसका मॉड्यूलेशन। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू सम फीचर्स ऑल्सो, लाइक सी सी प्लस प्लस के बारे में बताया था कि पाइथन इज अ वेरी इजी लैंग्वेज, एबीसी लैंग्वेज एंड मॉड्यूला। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू दैट एबीसी लैंग्वेज एंड मॉड्यूला वॉज एन ऑप्शनल लैंग्वेज ऑफ बेसिक लैंग्वेज। ठीक है, दैट ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू, इट इज द इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड मीन्स कन्वर्जन बहुत ईजी होता है, इंटरप्रेट बहुत जल्दी करती है। आई हैव टोल्ड यू प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आई हैव टोल्ड यू दैट वॉट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कौन बताएगा, हु विल टेल यू, प्लेस टेल मी द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, वॉट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कैन एनी वन टेल, किसी भी प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म इन द सेंस इट इज, इट शुड बी अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है या फिर हार्डवेयर भी हो सकता है। आई हैव डिस्कस यू विद अबाउट फ्री ओपन सोर्स। ठीक है, फ्री ओपन सोर्स के बारे में बताया था हमने, फ्री वेयर, दो इन इस जब ये हमने डिस्कस किया था तो दो चीजें डिस्कस की थी, एक फ्री वेयर सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर, दो सॉफ्टवेयर के बारे में बताएगा कोई, मैंने डिस्कस किया था, याद है सबको कि नहीं याद है, फ्रीवेयर और शेयरवेयर बताया था, याद है कोई बताएगा, एनीवन कैन टेल, एनीवन कैन टेल, बोलो अपराजिता, अश्मिता, वाई आर यू ऑन होल्ड, आर्यन कैन यू टेल मी, ओके यस गुड, एनीवन एल्स, चलो कोई नहीं, पढ़ लेना सब लोग। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करना, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो, और यू कैन टेक अ दैट कॉपी, आई विल शेयर दिस ऑन यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर मैंने शेयर इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो बहुत बेसिक था, यहां से स्टार्ट करें लेक्चर, वीडियो पे, वीडियो आपको यूट्यूब पे शेयर करता चलूंगा। ठीक है, आप बेसिक्स वहां से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब मैं आप शेयर करूंगा, इट इज पॉसिबल टू डेवलप वेरियस एप। अब हम बात करेंगे कि हम क्या क्या काम, वॉट वर्क वी विल डू विद पाइथन। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जीयूआई के बारे में बात की थी हमने, उस दिन दो टर्म्स यूज किए थे, जीयूआई एंड सीयूआई। वॉट इज द मीनिंग ऑफ दैट, जीयूआई एंड सीयूआई, जीयूआई आई हैव टोल्ड यू दैट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना, बताया था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हेयर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, है ना, याद है, आई हैव टोल्ड यू कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, सो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मीन्स इन दैट वी कैन यूज एक्शन इवेंट लाइक माउस कीबोर्ड बोथ, एंड इन सीयूआई वी हैव, आई हैव टोल्ड यू दैट वी कैन यूज कैरेक्टर। सो हम लोग जीयूआई एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, वेब ऐप कैसे होते हैं, वेब ऐप जानते हो, लाइक यू विल फिल द फॉर्म, ठीक है, वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, आप स्कूल एप्लीकेशन आप यूज करते हो ब्राउजर के थ्रू, दैट इज अ वेब एप्लीकेशन। आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, वेब ऐप, वेबसाइट ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ वेब ऐप। ठीक है, गेम्स, वी कैन डिजाइन अवर गेम्स। ठीक है, डीबीएमएस, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, देर आर टू टर्म्स विच वी विल यूज, RDBMS और DBMS. DBMS means database management system, and RDBMS means relational database management system.
DBMS is a means managed form of data. What is data? Can anyone tell what is the difference between data and information? जो मेरी टेबल उस पर लिखा हुआ है that you are able to see. मेरी स्क्रीन पे जो मैं लिख रहा हूँ, are you able to see? हाँ? कहाँ का रिफ्लेक्शन आ रहा है? ओके, जस्ट अ मिनट, मैं लाइट्स ऑफ कर देता हूँ थोड़ी सी. नाउ अब आ रहा है? तो रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए. ओके ओके, अब देखो अब भी आ रहा है. चलो कोई नहीं, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं लेक्चर, आप उसको देख लीजिएगा. थोड़ा बहुत हो सकता है, मैंने सारी लाइट्स ऑफ कर दी, अब तो कुछ भी नहीं बचा ऑफ करने को. रिफ्लेक्शन किस चीज का है? ठीक है, हो सकता है प्रोजेक्टर का आ रहा हो. ठीक है, वो तो क्लोज नहीं कर सकता मैं. ठीक है, तो डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, DBMS I have told you database management system, and RDBMS we will use relational database management. And now tell me, can you tell me that what is the meaning of RDBMS and DBMS? What is the meaning of data and information? What is meaning of data and information? Can anyone tell? What is the meaning of data and information? Anyone can tell? और कोई? एनीवन एल्स का आंसर? एनीवन एल्स का आंसर? ओके, चलिए मैं, नाउ आई विल टेल. सपोज दैट डेटा आई हैव रिटन राम 10th, राधेलाल 11th, ओके, लखनऊ. व्हाट यू से दैट इज डेटा और इंफॉर्मेशन? This is data or information? Why it is data? Now, अच्छा, अब हम एक और चीज define करते हैं. You can get it by that example. This is name. This is class. This is father name. And this is city. Now what is that? Now what is that? That is information. Means a managed form of data is called information, or the result you will get after giving instructions, that is called information. Okay, and the data is a unmanaged form of it is a collection of mixture information, mixed information. Like हमने यहाँ पे लिखा राम 10th राधे लखनऊ. अब यहाँ पे कुछ नहीं पता हमको, राम राधे के पापा हैं, राधे राम के फादर हैं, हमें पता नहीं. ठीक है, so यहां पे हमने क्या किया, व्हेन आई हैव सेग्रीगेटेड मैनेज्ड इट, तो देन इट इज कॉल्ड अ इंफॉर्मेशन. तो इंफॉर्मेशन डेटा मींस डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट, मिक्स्ड इंफॉर्मेशन. ओके, और यू कैन से दैट इट इज अ मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज. लाइक सपोज दैट आपने आपका हमने कहा स्कूल. ओके, हमने कहा स्कूल हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ मैनी मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट. ठीक है, सो ये हमारे पास एक कलेक्शन. अब हमने कहा कि एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स आर देयर, इन अ क्लास देयर आर 40 स्टूडेंट्स. ओके, दैट इज ऑल्सो ऑफ डेटा, 40 स्टूडेंट का डेटा कलेक्शन. हमने कहा शैवी की बात की, शैवी हैज दिस मच मार्क्स इन मैथ्स, दिस मच मार्क्स इन साइंस, दिस मच मार्क्स इन क्लास इन दिस सब्जेक्ट.
तो क्या हुआ कि एक इन्फॉर्मेशन हमने दी, कि एक बच्चे की इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की, ठीक है. सपोज आई विल आस्क यू दैट फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, दैट इज ऑल्सो इन्फॉर्मेशन, दैट इज द इनपुट विच यू हैव गिवन टू द कंप्यूटर, एंड वेन यू विल गेट द रिजल्ट. सपोज 20 स्टूडेंट, 20 आर द गर्ल्स एंड 20 आर द बॉयज, सो दैट मीन्स दैट इज अ इन्फॉर्मेशन विच यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम द गिवन इनपुट. ठीक है, तो इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन होती है, इस तरीके का जो हमें रिजल्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड अ डेटा और इंफॉर्मेशन. ठीक है, हियर स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग मीन्स अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोसीजर. ठीक है, कोई भी हम जब प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो हम उसको स्क्रिप्टिंग कहेंगे. ठीक है, अब व्हाट द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ठीक है, ऐसे प्रोसीजर्स को हम स्क्रिप्ट कहते हैं. ठीक है, तो कुछ ऐसे काम हम लोग करते हैं बाय यूजिंग ऑफ Python language. Any doubts? Okay. Now, अब हम बात करते हैं computer language limitations क्या हैं. ठीक है, limitations क्या हैं? There are few limitations, बहुत कम limitations हैं. जैसे other languages के platform compilers, different compiler, main compilers use होते हैं. ठीक है, हमें हर एक कंप्यूटर के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज करने पड़ते हैं. हम लोग यहाँ पे क्या काम, लिमिटेशन मतलब होता है लिमिट्स. जैसे हम 10 किलो वजन उठा सकते हैं, आई विल कैरी 10 केजी ऑफ वेट. सपोज दैट मैं ज्यादा उठा सकता हूँ, डोंट वरी. ठीक है, सपोज दैट आई विल गेस कि मैं 10 किलो वजन तक आराम से उठा सकता हूँ. दैट मीन्स दैट इज माई लिमिटेशन. अगर मैं 12 किलो वेट उठाऊंगा तो मैं आई कांट कैरी That much weight. ठीक है, आई कैन स्कोर 99.9% मार्क, दैट इज अ माई लिमिटेशन. ठीक है, आई कैन स्कोर 50% मार्क्स, नॉट मोर देन दैट, दैट इज माई लिमिटेशन. ठीक है, आई कैन रन अप्रॉक्स 100 किलोमीटर इन अ डे, दैट इज अब्रॉड अ लिमिटेशन. ठीक है, लेकिन हाँ, हम अपनी लिमिटेशन जानते हैं, सो डिपेंड अपॉन द थिंग्स, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, वी कैन फाइंड द लिमिटेशन. सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन होती हैं. कंप्यूटर्स हैव अ लिमिटेशन, कंप्यूटर कांट थिंक, बट फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा. ठीक है, कंप्यूटर कांट रन, कंप्यूटर कांट वॉक, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें, देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जब हमें क्लियर करना होता है कि हमसे क्या पूछा गया है. लिमिटेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स. ठीक है, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्क थोड़ा सा होता है. ठीक है, जब आपसे पूछा जाए कि लिमिटेशंस लिखनी है तो हमें उसमें फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं डालने होते हैं. ठीक है, हमसे जब फीचर्स पूछा जाए तो उसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं वो, और कैरेक्टरिस्टिक्स जो उन फीचर्स को हैंड आउट करते हो वो. चलो हम लोग अभी यहाँ बात करते हैं, बाद में पेपर के बाद में बात डिस्कस करेंगे. इट इज नॉट अ फास्ट लैंग्वेज. अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, इफ इट इज नॉट अ फास्ट लैंग्वेज नाउ, इफ इट इज इन अ वेरी इन एवरीवेयर पाइथन इज गोइंग टू यूज, सो व्हाई वी आर यूजिंग पाइथन. इट इज नॉट अ वेरी फास्ट लैंग्वेज, बट ऐसा है कि हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं, इट विल गिव रिजल्ट वेरी इन लिटिल बिट टाइम. सो उसको कन्वर्जन करने में टाइम लगता है, बिकॉज वी कांट डिफाइन द डेटा टाइप. सपोज आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, कि डेटा टाइप हम लोग डिफाइन नहीं करते तो उसको जज करना पड़ता है. कन्वर्जन बहुत इजी होता है. लाइब्रेरीज आर वेरी लेस, लाइब्रेरीज बहुत कम है. ठीक है, क्यों लाइब्रेरीज बहुत कम है, क्योंकि उसमें डेटा टाइप कीवर्ड्स की रिक्वायरमेंट कम है, दैट्स वाई द लाइब्रेरीज आर वेरी लेस. इट इज वीक इन टाइप बाइंडिंग. टाइप बाइंडिंग मीन्स होता है कि डेटा टाइप, मतलब डेटा टाइप है, हम जिस तरीके का डेटा टाइप डिफाइन करते हैं उस तरीके का डेटा टाइप हमें आउटपुट मिलता है नहीं मिलता है. ठीक है, तो वो हम क्लियर नहीं होते हैं. ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम क्लियर करने के लिए बाइंड नहीं होती है. जो उसको मतलब कैसे कह सकते हो कि सपोज हमने कहा कि 21.27. ठीक है, तो 21.27 तो यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है, 27 और 0.7 का फर्क है. ठीक है, तो वो जो आउटपुट कंप्यूटर के अकॉर्डिंग एक्यूरेट होगा वो हमको देगा. ठीक है, अगर हमने कोई भी बाउंडेशंस नहीं लगाई हैं तो यहाँ पे बाइंडिंग की बात यह है कि हम उस पर वैलिडेशंस लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है इन पाइथन. वैलिडेशन समझते हो, डू यू नो वैलिडेशन.
वैलिडेशन, एनीवन कैन टेल? वैलिडेशन, नो वन कैन टेल? चलो कोई बात नहीं, नो वन कैन टेल? वैलिडेशन, कोई तो बताओ भाई, सब सो रहे हैं क्या? वैलिडेशन, यस यस, दिव्यांश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलिडेशन? हाँ, टेल मी, डोंट नो. ओके, वैलिडेशन का मतलब होता है कि अगर हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बात करें तो रोक लगाना किसी चीज पर, ठीक है, हम उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना. इफ वी टॉक अबाउट अ रिस्ट्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड अ वैलिडेशन. ठीक है, वैलिडेशन मीन्स द रिस्ट्रिक्शंस विच विल क्रिएट पुट ऑन द एनी डेटा, दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन. सपोज हमने कहा कि द एज लिमिट नॉट बी ग्रेटर देन 18 ईयर्स. ठीक है, जैसे हमने कोई वैकेंसी निकाली और इन दैट वैकेंसी आई विल पुट द वैलिडेशन, आई विल पुट द रिस्ट्रिक्शन, 18 साल से ऊपर कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता, 18 साल से नीचे होना चाहिए. ठीक है, सपोज दैट वोट करने की बात है तो यहां पे वैलिडेशन है कि 18 ईयर से अबव वाले वोट कर सकते हैं, उसके नीचे वोट नहीं कर सकते, दैट इज द वैलिडेशन. ठीक है, सेम एज हमने कहा इफ यू विल गेट 88% मार्क्स इन साइंस, सॉरी इन 10th, देन आई विल गिव यू द साइंस, दैट इज अ वैलिडेशन. ओके, सेम एज सपोज दैट आई हैव गिवन यू द फॉर्मेट ऑफ अ डेट इज 31, मींस DDMMYYY. इफ यू विल पुट मंथ फर्स्ट, देन इट इज नॉट वैलिड, सो दैट इज अ वैलिडेशन. मींस द फॉर्मेट आई विल प्रोवाइड यू और एनी वन कैन प्रोवाइड यू, दैट इज कॉल्ड अ वैलिडेशन. In that format, you have to put input a data. That is called a validation. Validation means you can define or you can express, you can explain the things in that regulation, rules and regulations. That is called a validation. समझ में आया सभी को? अरे भाई message में type कर दिया करो, yes, तब भी समझ जाएंगे हम. ठीक है, मुझे दिख जाएगा. ठीक है, you can type message, yes sir, clear. ठीक है, आप बोलोगे नहीं बोलोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, बट अगर समझ में आ रहा है देन यू हैव टू पुट अ मैसेज इन द मैसेज बॉक्स, चैट बॉक्स. ठीक है, हाँ क्लियर, हाँ सर, ओके नाउ. ठीक है, नाउ इट इज नॉट इजी टू कन्वर्ट इट इन सम अदर लैंग्वेज. ये बहुत आसान नहीं होता है अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, क्योंकि इसमें डेटा टाइप, कीवर्ड्स बहुत सारे डिफरेंट होते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम बात करें जावा में सेमीकोलन लगाते हैं, इसमें सेमीकोलन का कोई यूज नहीं होता है. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मेनी, वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन अदर लैंग्वेज एंड दिस लैंग्वेज. सो जो भी प्रोसीजर होता है उसी अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो करते हैं. चलो अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा हाउ टू इंस्टॉल पाइथन. ये सबको अपने सिस्टम पे, मोबाइल पे भी कर सकते हो आप लोग. ठीक है, आप लोग पाइथन कंपाइलर डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपके पास मोबाइल है तो उस पर भी कर सकते हो. आप सिस्टम है देन वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम. ठीक है, पाइथन कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम www.python.org. इट इज अवेलेबल इन टू वर्जन, 2.6x, 3.x. आगे भी आ गए हैं अब. ठीक है, वी विल डाउनलोड 3.6.5 हियर. ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देख लो. ये वेबसाइट है, this is a website. When you will type www.python.org, then you will get this type of screen. ठीक है, python.org जब आप डालोगे तब आप then you will get this type of screen. You will go to the download option. This is the download option over here. यहाँ पे दिख रहा होगा आपको. You can go to the download option and then you will go to the next option. Python 3.6. Any, there are a lot of versions whichever your computer will get, should like. आपका अगर कंप्यूटर में 6, 7 पड़ा हुआ है
एक्सपी पढ़ा हुआ है, सेवन पढ़ा हुआ है, खैर अब सेवन एक्सपी किसी में होगा नहीं, लेकिन अगर सेवन पढ़ा हुआ है तो आप थोड़ा सा लोअर वर्जन डाउनलोड करें, देन इट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, अगर आप अपडेटेड वर्जन डाउनलोड करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत कभी कभी करता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी वर्जन डाउनलोड करेंगे तो, और लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें तो विंडोज 10 है तो सबसे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें, कोई दिक्कत नहीं, अपडेट करते रहें। ठीक है, इसके अलावा विंडोज एक्स यहां पे लिखा हुआ है 86 एग्जीक्यूटेबल, ठीक है, इंस्टॉलर है ना। इसके अलावा दोस्तों अब एक और ऑप्शन होता है, आपको दिखाऊंगा मैं अभी। ठीक है, ये जो आपका डाउनलोडर इंस्टॉल हो जाएगा, जब आपको आप डाउनलोड कर लेंगे तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ स्क्रीन व्हेन यू विल क्लिक ऑन इंस्टॉलेशन ऑप्शन। तो इंस्टॉल नाउ, पाइथन पे जाएंगे आप, इंस्टॉल नाउ प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ एड पाइथन 3.7 टू पाथ इंस्टॉल लॉन्चर फॉर ऑल यूजर्स। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू चेक दिस, नेक्स्ट आप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जब आप स्टार्ट बटन प्रेस करोगे तब आप टाइप करो पाइथन तो आपका आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आपको जब स्क्रीन ओपन होगी तो दिस टाइप ऑफ पैनल यू विल गेट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, व्हेन यू विल ओपन द दैट विंडो फॉर पाइथन शेल। ठीक है, आइडियली 6.5। ठीक है, नाउ अब बात करेंगे हाउ टू वर्क, अब हमें काम कैसे करना है। ठीक है, समझ आए यहां तक, कैसे डाउनलोड करना है, नोट कर लिया सबने? हेलो, ओके ओके, सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हेयर ऑल्सो, और अगर आपको दोबारा हेल्प चाहिए तो आप चैनल पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं वाले। ठीक है, तो वी कैन वर्क इन पाइथन इन टू वेज, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, अब इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड क्या है? ठीक है, बोथ हैव देयर ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग। ठीक है, इंटरेक्टिव मोड क्या है, वर्क्स लाइक अ कमांड इंटरप्रेटर, जैसे ही आप इंटर करोगे वैसे ही आपका प्रॉम्प्ट एक्शन आपके पास आ जाएगा, मतलब जैसे ही आप एक लाइन इंटर किया आपने, जैसे ही एक कमांड इंटर किया वैसे ही आपके पास मतलब रिस्पॉन्स आ जाएगा कि यू हैव डन रॉन्ग, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग और यू हैव डन करेक्ट, आपका जो भी आउटपुट होगा दैट यू विल गेट एट द सेम टाइम। ठीक है, वी कैन एग्जीक्यूट एनी इंस्ट्रक्शन ऑफ पाइथन विद दिस। ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शन, वी कैन रन अ कंप्लीट प्रोग्राम बाय राइटिंग इन स्क्रिप्टिंग मोड। इन स्क्रिप्ट मोड मींस आफ्टर कंप्लीटिंग फुल प्रोग्राम, आप पूरा प्रोग्राम लिख लिया आपने, देन आफ्टर यू विल राइट, तो आप स्क्रिप्ट मोड यूज करेंगे। ठीक है, और अगर आपको एक एक लाइन चेक करते जाना है देन यू विल यूज इंटरेक्टिव मोड। तो इंटरेक्टिव मोड इज इजी फॉर द इनिशियल स्टेज, बट If you will use script mode, then you have to use after finishing your programming language, then you will use script mode. ठीक है, आप अच्छे से जब thoroughly समझ में आने लगेगा तब आप script mode use कर सकते हो। ठीक है, आप कभी भी use कर सकते हो, it's your choice. I will not push you कि आप script mode use करें, interactive mode use करें, whatever You will do that is your choice. ठीक है, समझ में आया सभी को? गुड मॉर्निंग, ओके। तो अब थोड़ा सा हम लोग व्यू देखेंगे, अभी हम लोग जैसे सिंपल व्यू देखेंगे, अभी हम लोग करके भी देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, यहां पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, जैसे देखो कितना इजी प्रोग्राम होता है पाइथन का। देखो सी A इज इक्वल टू 10, यहां पे देखो हमने यहां पे इनिशियल स्टेज में ये किस टाइप का वेरिएबल है हमने डिफाइन नहीं किया, हम लोग अभी डेटा टाइप भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, हमने कहा A इज इक्वल टू 10, नो सेमी कोलन रिक्वायर्ड, कुछ लोगों ने यहां पे जावा थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, तो A इज इक्वल टू 10, A इज इक्वल टू, B इज इक्वल टू 20, हमने लिखा C इज इक्वल टू A प्लस B, प्रिंट द सम, इट इज अ डबल कोट हियर। ठीक है, हम लोग कुछ चीजें अभी पढ़ेंगे, वो अभी बस यहां पे एक व्यू दे रहा हूं इसलिए मैं आपको इस चीज को दिखा रहा हूं। ठीक है, सी आपने जैसे ही इनपुट किया ये स्क्रिप्ट मोड है। ठीक है, ये स्क्रिप्ट मोड है, पूरा प्रोग्राम राइट किया, जैसे हमने प्रिंट ईएमआई पे एंटर किया तुरंत हमें आउटपुट मिल गया। देखो सॉरी, इंटरेक्टिव मोड है, इट इज एन इंटरेक्टिव मोड, यहां पे कोई हमने आउटपुट नहीं लिया, यहां पे कोई आउटपुट नहीं लिया, यहां पे भी कोई आउटपुट नहीं लिया, हमने क्या किया सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, मीन्स इन दोनों को हमने ऐड करके यहां पे डाला। When you have print C, print within a bracket the sum is comma C, then the sum is 30. So in this case, यहां पर क्या है कि बहुत easy way में आपका
प्रोग्राम आउटपुट हो गया। अब अगर हम सपोज इसी प्रोग्राम को अगर हम जावा में करें तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। देखो मैं एक प्रोग्राम जावा में लिखता हूं, ठीक है, इंपोर्ट, दिख रहा है सभी को जावा डॉट आईओ डॉट स्टार, ठीक है, क्लास एक्स सपोजर ले लिया हमने, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, फिर हमने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 10, इंट बी इज इक्वल टू 20, इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, देन हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln विद इन अ ब्रैकेट द सम इज, ठीक है, सेमी कोलन, इसको हम इसमें भी लिख सकते थे, यहाँ स्पेस नहीं इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर दोबारा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln सी, ठीक है, देन दिस क्लोज। हेलो, माई वॉइस इज कमिंग। अब प्रोग्राम कौन सा इजी लग रहा है, पाइथन का, ठीक है, तो दैट्स वाई पाइथन इज वेरी इजी लैंग्वेज। अब देखो यहां पे हमने इंटीजर भी डिफाइन किया, ठीक है, इंटीजर भी डिफाइन किया, फिर यहां पे इतना लंबा हमने कितना लिखा, इसमें कितना लिखा, प्रिंट, केवल प्रिंट लिखना पड़ा यहां पे। भाई कौन है, काहे बेइज्जती करा रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे भैया, ठीक है, आउट आउट प्रिंट प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। अब इतना लंबा स्टेटमेंट हमने यहां लिखा और यहां पे कितनी रिक्वायरमेंट हो गई, प्रिंट सी, काम खत्म, ठीक है। तो दैट इज दिस लैंग्वेज इज वेरी इजी व्हेन यू विल यूज, ठीक है, ये हमारा इंटरेक्टिव मोड है, ठीक है। अब देखो स्क्रिप्ट मोड कैसा होगा, अब स्क्रिप्ट मोड क्या करेंगे हम लोग, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, व्हेन यू विल गो टू फाइल, न्यू फाइल, ठीक है, और अब कर दो इसको, समझ आएगा तब, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, क्लिक हियर टू ओपन अ न्यू फाइल, ठीक है, आप ओपन फाइल, न्यू फाइल पे क्लिक करिए, ठीक है, फिर आप देखिए ये हमारा स्क्रिप्ट मोड है, हमने वही प्रोग्राम यहां पे रन कराया, ठीक है, यहां पे देखो आउटपुट नहीं आया, कुछ भी आउटपुट नहीं मिला हमको, ठीक है। अब दिस इज अ स्क्रिप्ट विंडो, वी कैन राइट अ कंप्लीट प्रोग्राम हियर, आफ्टरवर्ड वी सेव द फाइल एज वी हैव, सेव द फाइल विद द नेम सपोजेड डॉट पाई, वेन यू विल सेव द फाइल यू विल सेव एक्सटिंक्शन विद, अच्छा एक्सटिंक्शन क्या होता है, नाउ टेल मी एक्सटिंक्शन, याद में आ गया, दिमाग में आ गया, टेल मी, कौन बताएगा वॉट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटिंक्शन, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, हाँ टेल मी नाउ, आयुष चौधरी, आयुष चौधरी, आयुष बेटा गुड मॉर्निंग, आयुष आर यू हियर, बेचारा ने मम्मी ने दाल रोटी बनाई होगी, खाने चला गया, ये बनाने क्या होगा, अर्चिता चौधरी, अच्छा जितने चौधरी हैं उनमें से कोई बता दो, आयुष चौधरी, अर्चिता चौधरी, अपराजिता चौधरी, अनमिया चौधरी, हाँ बेटा बताओ, What is the meaning of extinction? Okay. 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 Anyone else? Muhammad. कौन बोला, अच्छा आर्यन श्रीवास्तव, अरे कहां थे बेटा, हाँ बताओ, हाँ बोलो 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 बोलो, फाइल को एग्जीक्यूट कराने में, अच्छा
इट इज पॉसिबल. अच्छा वर्ड वर्ड सपोज दैट व्हेन वी विल सेव द वर्ड फाइल इन दैट केस द वर्ड फाइल विल ऑटो सेव विद द एक्सटेंशन और यू कैन टाइप डॉट वट एवर द एक्सटेंशन ऑफ वर्ड. क्या है एक्सटेंशन वर्ड का पता है? डॉक एक्स. ठीक है, DOCX. XLS एक्सेल का होता है, PDF एडोब रीडर का होता है या PDF किसी भी रीडर का हो सकता है. फिर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं इसे हम. ठीक है, ओके. ऐसे ही पाइथन का भी अपना एक एक्सटेंशन होता है. एक्सटेंशन मींस इट इज अ सेकेंडरी नेम, लाइक आर नेम. माय नेम इज गौरव पांडे, दैट मींस पांडे इज माय फैमिली नेम. मैं एक फाइल हूं पांडे फैमिली की. ठीक है, ऐसे समझ सकते हो. ठीक है, तो सेम एज अपराजिता चौधरी, तो चौधरी इज अ एक्सटेंशन सेकेंडरी नेम. सिंह इज अ सेकेंडरी नेम. ओके, मिश्रा इज अ सेकेंडरी नेम. अश्मिता, हम अगर हमसे पूछा जाए अश्मिता मिश्रा, तो अश्मिता मिश्रा मीन्स अश्मिता. हु इज अश्मिता? अगर हम मिश्रा नहीं लगाएंगे तो हमें क्लियर नहीं होगा व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द सॉरी सरनेम, अगर दो तीन बच्चे हैं. ठीक है, ओके. तो द सरनेम लाइक, ऐसे ही फाइल्स का भी, हमारे कंप्यूटर्स में भी फाइल का एक सरनेम होता है. यू कैन से सेकेंडरी नेम, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन. द सेकेंडरी नेम ऑफ अ फाइल इज कॉल्ड एक्सटेंशन. ठीक है, जो भी सेकेंडरी नेम होता है हमारी फाइल का वो हमारा क्या कहलाता है? एक्सटेंशन कहलाता है. सेम एज इन पाइथन वी हैव एक्सटेंशन py. ओके, py. ठीक है, समझा? पी फॉर पांडे, ये वाई फॉर येलो. ठीक है, पाई. तो दैट इज पाई इज अ एक्सटेंशन ऑफ पाइथन. ठीक है, नाउ देन इन रन मेन्यू, आप रन मेन्यू में जाओगे, यहां पे देखोगे ऐसा एक रन मेन्यू है. ठीक है, यू विल गो टू द रन मेन्यू एंड क्लिक ऑन रन मॉड्यूल फॉर और यूज F5 की. आप F5 की या फिर रन मॉड्यूल प्रेस कर सकते हो. ठीक है, समझा? ठीक है, दिस इज द प्रीव्यू ऑफ अ स्क्रिप्ट मोड. ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये दिखेगा आपको, सम इज 44. ठीक है, जब हमने वहां पे वैल्यू डाली सम इज 44, वो ऑटोमेटिकली देखो एक्सटेंशन जब आपने रन किया तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया. ठीक है, दिस इज द एड्रेस ऑफ द फाइल वेयर द फाइल इज स्टोर्ड. ठीक है, ये जो फाइल ऊपर आपको रीस्टार्ट लिखा हुआ है, सी यूजर KVB सर्वर एप डेटा लोकल प्रोग्राम पाइथन. ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है. तो दैट मीन्स इट इज अ वेयर द डेटा विल डेटा इज स्टोर्ड. ठीक है, वहां से एग्जीक्यूट. एज वी क्लिक ऑन रन मॉड्यूल और यूज F5 वी स्विच टू इंटरेक्टिव मोड वेयर वी गेट आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है, यहाँ पे हमें ऐसे आउटपुट मिल जाएगा प्रोग्राम का. ठीक है, दिस इज द वे इन दिस इज द फॉर्म दैट यू कैन एग्जीक्यूट. ठीक है, you can execute with the program. ठीक है, this is the first thing that we have discussed in the programming. Now python इसमें पढ़ी हुई है, सर इसमें python पढ़ी हुई है. ठीक है, you can use different platform also, like क्या use कर सकते हो आप? spider is also anaconda. ठीक है, तो हम लोग अब ओपन करने वाले हैं. ठीक है, दिस इज द स्क्रिप्ट मोड, दिख रहा है सभी को? चलो स्क्रीन शेयर कर देता हूं इसकी भी. अब वो हटा देता क्या? हाँ मैं शेयर कर रहा हूं. नाउ सी, पेरेंट्स आए, अभी बैठा लो. दिख रही है स्क्रीन? दिस इज द स्क्रीन. ठीक है, This is a Python programming explanation. अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे. ठीक है, अब हम कैसे करेंगे देखो, समझना सब लोग. PYTHO क्या नाम है? A is equal to 10. Enter. हमें देगा print bracket. A. दिखा, समझ आया कुछ? ठीक है, हमने क्या लिया? A इज अ वेरिएबल. व्हाट इज वेरिएबल?
पता है कम मैथ्स में पढ़ा होगा वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल? जिसकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। गुड, ठीक है, गुड। नेक्स्ट, एनीवन एल्स कैन टेल? अच्छा, कांस्टेंट क्या होता है? जिसके बस ये नहीं हो सकता तो वो तो हो ही सकता है ना। चलो कोई नहीं। अब देखो, प्रिंट जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है वो होते हैं वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब हमने एक स्टेटमेंट के साथ हमने एक प्रिंट किया, ए इज इक्वल टू 10, प्रिंट ए और 10 प्रिंट हो गया। नाउ आई वॉन्ट टू प्रिंट इन विद स्टेटमेंट, ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। डबल कोट मीन्स, डबल कोट विल यूज फॉर डिफाइन स्टेटमेंट, टू प्रिंट स्टेटमेंट, वट एवर यू विल टाइप इन द डबल कोट दैट विल एग्जीक्यूट लाइक दैट ओनली, ठीक है। जैसा आप उसमें इनपुट करोगे वैसा ही वो आपको आउटपुट दे देगा, वैसा ही प्रिंट। हम जो भी डबल कोट दिख रहे हैं ना, ये वाले डबल कोट, ये वाले डबल कोट दिख रहे हैं, दीज आर द डबल कोट एंड दीज आर द डबल कोट, दिख रहे हैं? माउस दिख रहा है मेरा? हाँ, तो दिस इज दीज आर द डबल कोट, दीज आर द डबल कोट एंड दीज आर द डबल कोट, ठीक है। दीज आर कॉल्ड अ डबल कोट, ठीक है। सिंगल कोट हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा और डबल अपोस्ट्रॉफी, सिंगल अपोस्ट्रॉफी यही नहीं बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग कोट्स बोलते हैं, डबल कोट, सिंगल कोट, ठीक है। अपोस्ट्रॉफी कॉमा, जो कॉमा आप लगाते हो ना अपोस्ट्रॉफी, वो सिंगल कोट बोला जाता है, ठीक है। जो डॉट डॉट्स लगते हैं, दो डॉट, जैसे हम यहाँ पे अगर डॉट लगाएं, ठीक है, ठीक है, तो ये कोलन बोलेंगे हम, ठीक है। तो दीज आर द कोड, हम एंटर करेंगे तो प्रिंट हो क्या होगा? प्रिंट हो जाए बेटा, ठीक है। तो क्या आया? द वैल्यू ऑफ ए कोलन 10, ठीक है। अब हम एक और वैल्यू डिफाइन करते हैं, बी इज इक्वल टू 20, ठीक। फिर हम लिखा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अभी हमने प्रिंट नहीं किया कुछ, दैट्स राइट, इट विल नॉट प्रिंट, इज अ स्टेटमेंट फॉर डिफाइनिंग आउटपुट और फॉर प्रिंटिंग आउटपुट। प्रिंट इज अ स्टेटमेंट, प्रिंट इज अ कीवर्ड दैट वी विल यूज फॉर डिफाइनिंग और गिविंग आउटपुट, ठीक है। जब हम आउटपुट देना होता है तब हम क्या यूज करते हैं? प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं। कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं? हेलो, प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। देखो, और सबसे बड़ी चीज, जो पाइथन लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये टर्म में बताना भूल गया। केस सेंसिटिव पता है क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केस सेंसिटिव? हाँ, द केस मीन्स द वट एवर यू विल टाइप, वट एवर यू विल द कीवर्ड शुड बी इन अ वे, इन द सेम वे वट एवर दे हैव डिफाइंड इन बाई डिफॉल्ट, ठीक है। जिस फॉर्मेट में वो डिफाइन किए गए, जिस फॉर्मेट में आपको बताए गए हैं, समझाए गए हैं, आपको वही फॉर्मेट यूज करना है। इफ यू विल चेंज द फॉर्मेट, चेंज द केस, देन इट विल नॉट वर्क, क्लियर? ठीक है, तो हम लोग इसको प्रिंट करते हैं। चलो देखते हैं, प्रिंट सी, ठीक है। हमने यहां पे इसको देखो इस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो 30, केवल 30 आया, ठीक है। अगर हम स्टेटमेंट थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं अच्छे से, हम सपोज दैट इसको जावा भी केस सेंसिटिव होता है, यस। सी सी द सम ऑफ, हमें यहां पे लिखा है क्या, सम ऑफ वैल्यू ऑफ सी, सम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी लिख लेते हैं, ए एंड बी, ठीक है। वैल्यू ऑफ सी एंड बी, तो शेर में अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। सम ऑफ ए एंड बी इज, इस चीज में थोड़ा चेंज किया और सम ऑफ ए एंड बी इज 30। अब देखो, इट्स अ कंप्लीटली प्रेजेंटेशन, ठीक है। हम लोग जो प्रोग्राम हमने यहां पे देखो डिफाइन किया इस तरीके से, और वहां पे यहां पे हमने डिफाइन किया, तो विच लुक्स बेटर? हमें देखो, एग्जामिनर क्या होता है, जब पेपर हम लोग देते हैं तो पेपर जो एग्जामिनर होता है
उसको चाहिए होता है सब पका पकाया। अगर वो कंफ्यूज होगा तो वो कंफ्यूज मार्क्स भी देगा, ठीक है। सो डोंट कंफ्यूज टू द एग्जामिनर। व्हेन यू विल राइट अ प्रोग्राम इन प्रॉपर मैनर, देन ही विल गेट द रिजल्ट इन प्रॉपर मैनर, ही विल गिव द मार्क्स इन प्रॉपर मैनर। अगर आप प्रेजेंटेशन आपकी कंप्यूटर में अच्छी होगी, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो मार्क्स अच्छे नहीं होंगे। ये सभी सब्जेक्ट का है, बट कंप्यूटर में क्या होता है, आपकी प्रोग्रामिंग पैटर्न को बहुत ध्यान रखा जाता है, ठीक है। यहां तक समझ आया सभी को, ठीक है। अब हम इसको चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे एडिशन करें, चाहे सब्ट्रैक्शन करें, चाहे डिवीजन करें, कुछ भी करें, द ऑल प्रोग्राम्स विल बी राइट इन द सेम मैनर, ठीक है। समझ आया? ठीक है, हाँ बेटा, फिर देखो, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, ये वाला अगर स्टेटमेंट आप देखोगे, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि दिस इज द स्टेटमेंट, यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है इज, हमने क्या कहा कि जब वट एवर यू विल राइट बिटवीन द सिंगल डबल कोट, दैट विल बी प्रिंट एज इट इज, इट विल नॉट प्रिंट द वैल्यू ऑफ एनी वैल्यू, आउटपुट नहीं प्रिंट करेगा। जो भी स्टेटमेंट हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे, दैट विल प्रिंट लाइक दैट। अब हमने यहाँ पे लिखा ए एंड बी और द वैल्यू सी, तो हमें यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ए वैल्यू यहाँ डिफाइन की है ऊपर, और फिर डी डिफाइन करिया, फिर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तब हमने यहाँ पे सी प्रिंट किया, तो मीन्स द सम ऑफ ए प्लस बी विल गोज इन सी, मतलब जो एडिशन है, समझो कि हमने दाल बनाई, भिंडी बनाई, अब भिंडी कहाँ रखोगी, दाल कहाँ रखोगी, तो दाल इज द, दाल जो है वो क्या है, वैल्यू है, और कटोरी क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो कटोरी में हमने a प्लस बी डाल दिया, ठीक है। तो जो वेरिएबल है दैट विल होल्ड द वैल्यू, वैल्यू एड्रेस, डेटा एड्रेस, उसका एड्रेस वेरिएबल होल्ड करता है, ठीक है। तो जो भी एड्रेस होता है उस जहां पे वो सामान रखा हुआ है उसको वो हम वो उसमें होल्ड करता है। तो हम क्या प्रिंट करते हैं, हम वैल्यू नहीं प्रिंट करते हैं, हम प्रिंट करते हैं वेरिएबल, तो ऑटोमेटिकली वो उसको कॉल कर लेता है। समझ आया नहीं आया? और समझाऊं, और कुछ एग्जांपल दूं? हेलो, शैवी बोल रही थी ना, शैवी, ठीक है। तो जो भी हमें वैल्यू जयता, अच्छा ठीक है, जो भी है, मतलब क्लियर हुआ, ठीक है। तो जो भी हम ऐसे समझो कि वट एवर हम लोग मैथ्स होती, मैथ्स में क्या करते हो, हम लिखते हैं ए, हम कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स क्या है, एक्स इज अ वेरिएबल, एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हम अगर हम एक्स की वैल्यू कहीं पुट करते हैं तो दैट मीन्स हम x नहीं पुट करते हैं, हम x की वैल्यू पुट करते हैं, ये तो होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, सब क्लास 10th में सब्स्टिट्यूशन, इलिमिनेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन टू वेरिएबल में, याद है नहीं याद है, याद है कि भूल गए सब? लीनियर इक्वेशन में करते थे ना, x का स्टेटमेंट निकालते थे, फिर x की वैल्यू y में पुट करते थे, दूसरी स्टेटमेंट, दूसरी इक्वेशन में, फिर हम फाइंड करते थे, यही तो होता था। हाँ, सेम थिंग यहां पे, तो x इज अ वेरिएबल दैट विल होल्ड अ वैल्यू, जो वैल्यू होल्ड करता है वो हमारा क्या कहलाता है, वेरिएबल, ठीक है। और हम वेरिएबल प्रिंट कराते हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं, कोई नहीं, नंबर प्रिंट कराएंगे तो हम एज इट इज प्रिंट करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग उस तरीके से यूज करेंगे, समझ आया? चलो, इतना क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? कोई एनी अदर डाउट पूछो, किसी को पूछना है तो पूछो, पूछना हो तो पूछो, पूछे तो पूछे जाओ, नो डाउट, सारे डाउट क्लियर हैं, हाँ, ऑल डाउट्स आर क्लियर, ओके। अनन्या सिंह, मुस्कान मानो कहां थी इतनी देर, हाँ मुस्कान, मुस्कान सिंह कहां थी अब तक, स्टार्टिंग से थी बेटा, पहली बार अटेंडेंस शीट में तो तुम नहीं हो मेरी, चलो वो तो अभी क्लियर हो गया। सिमरन, सिमरन,
देखो, हाँ क्लियर हुआ पचौरी जी? हाँ जसनूर, आंखों के नूर, कहाँ हो? समझ में आया कुछ? हर्ष, अनुभव, आल चौधरी, आल चौधरीज, एक ही चौधरी की आवाज आई। चलो अब मैं होमवर्क टाइप कर रहा हूँ अब चैट में, ठीक है? अपना देख लेना। वैप यूज कर रहा हूँ, वैप फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम, ठीक है? राइट अ प्रोग्राम, वन मल्टीप्लीकेशन, टू एडिशन, थ्री एवरेज, फोर एवरेज मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, फाइव फाइंड द परसेंटेज, टू नंबर ऑफ टू सब्जेक्ट। आउट ऑफ 200, ठीक है? और एक और चीज मैं अभी बता रहा हूं, क्या क्या अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग प्रोग्राम बनाने हैं, ठीक है? कॉपी पे करके फोटो भेजना, ठीक है? और आप लोगों को क्या करना है, एक चीज मैं अभी और बताता हूँ, अभी आप लोग समझ जाइएगा तो आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी चीजें करने पे। हमें व्हाट्सएप मत करना, चैट में भी मत भेजना, मैं अभी एक ऑप्शन बताता हूँ आपको, उसके थ्रू करना, ठीक है? सिक्स फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर में हम लोग क्या यूज करते हैं पता है आप लोगों को? सॉरी रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर में पता क्या यूज करते हैं? मॉडुलस, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस, परसेंटेज, दिस साइन विल यूज फॉर मॉडुलस, ठीक है? आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पे समझ में आ जाएगा अभी। वी विल यूज मॉडुलस लाइक सपोज दैट हमें क्या करना है, 12 by 3 एंड 12% 3, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस, मॉडुलस और स्लैश, ठीक है? 12 by 3 दिस विल गिव्स यू 4 एंड दिस विल गिव्स यू 0। समझ में आया? नहीं आया? मीन्स दिख नहीं रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, समझो 12 by 3। हाँ? क्या कह रहे हो? ऐसे समझो जहां पे हम लोग, अच्छा यहां यहां दिख रहा है, जहां लिखा अभी 12 by 3 और 12% 3, ठीक है? मतलब मैं मैसेज टाइप भी कर देता हूं, अगर हम टाइप करते हैं 12 by 3 और 12% 3, ठीक है? कन्वर्सेशन में देखो, अगर हम 12 by 3 करते हैं और 12% 3 करते हैं, वेन यू विल गिव 12 by 3 दिस विल गिव यू द क्वेश्चन, ठीक है? और 12% 3 करते हैं, मीन्स मॉडुलस 3 करते हैं, दिस विल गिव यू द मॉडुलस वी विल यूज, इन दैट केस वी विल गेट द रिमाइंडर, ठीक है? यू विल गेट द रिमाइंडर, ठीक है? तब आप करोगे। चलो कोई नहीं, अब समझ आ गया, ठीक है? और जो लास्ट वाला होमवर्क था उसका भी मैं बताता हूं कहां भेजना है आपको। एक ही लोगों ने होमवर्क भेजा है केवल मुझे। अब आपको क्या करना है मेरी वो समझिएगा, ठीक है? टीम टीम टीम, आप लोगों को टीम्स में जाना है, दिख रहा है मेरी स्क्रीन?
Are you able to see my screen?